वेलकम टू SS डिफेंस Academy फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पे जो नेवी MR के लिए जो सैंपल पेपर दिया गया है उसके सॉल्यूशंस आज मैं कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। आने वाले इंडियन नेवी MR एग्जामिनेशंस के लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से तो बहुत बार एक दो क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं और प्लस में आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहे हैं इंडियन नेवी MR के, उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, 50 क्वेश्चन में पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड रहता है पेपर। पार्ट ए में मैथ के 13 क्वेश्चन और साइंस के 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पार्ट बी में जीके के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशंस में मैं ऑफिशियल सैंपल पेपर के मैं टोटल 25 यानी सेक्शंस बी के मैं आपको जीके के क्वेश्चंस कराने वाला हूं और जो पार्ट ए में साइंस के 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो इसको देख लीजिएगा और एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं मैथ के 13 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं हैंड नोट्स के माध्यम से, ये सभी ऑफिशियल पेपर का ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पे जो सैंपल पेपर डाला गया है ये है। मैं वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इस PDF को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा सैंपल पेपर और साथ में हैंड नोट्स जो बनाया हूँ उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह की ये क्या है ना, काफ़ी पहले का ये जो सैंपल पेपर डाला गया है जब ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहे थे उस टाइम का, क्योंकि उस टाइम पर देखिए 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे लेकिन टाइमिंग दिया जाता था 45 मिनट, लेकिन अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हो रहा है तो अभी 30 मिनट ही टाइमिंग दिया जा रहा है और निगेटिव मार्किंग भी है। देख सकते हैं, ये आपको सेक्शन ए मिलेगा जिसमें आपको साइंस और अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग इसमें क्या पार्ट ए का हम लोग साइंस के 12 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद सेक्शंस बी के टोटल 25 जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसके बाद मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करा दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप लोग अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो देखिए, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, तो इंद्र भगवान की पूजा होती थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी का है हिंदू देवता डैश को समर्पित है, तो शिव जो हिंदू देवता शिव को समर्पित है। क्वेश्चन फोर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। फाइव देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 डैश को जोड़ता है, तो ये मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 4। क्वेश्चन देखिए सिक्स, भारत की प्रथम विद्युत चलित ट्रेन यानी डेक्कन क्वीन डैश के बीच चलती थी, तो ये कल्याण और पुणे के मध्य चलती थी डेक्कन क्वीन, ये प्रथम विद्युत चलित ट्रेन थी। सेवन देखिए, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। एट देखिए आपको यहाँ से एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि मुख्यालय से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसी पैटर्न पर तैयारी करना है। कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में स्थित है, तो देखिए पाकिस्तान में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हड़प्पा जो है ना ये पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन 9 देखिए, इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उद्दित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती थी, तो हमास कहलाती थी। ये एक क्रांतिकारी मतलब संगठन बनाया गया है, दल है उधर का। 10th देखिए, रन्स एंड रुइंस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये सुनील गावस्कर ने लिखा है। 11 देखिए, डैश की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। 12 देखिए, लैंड्स ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है, तो सिंपल नॉर्वे हो जाएगा। 13 देखिए, अक्रिय गैस की खोज से कौन संबंधित है, तो राम से संबंधित है। 14 देखिए, एक विद्युत स्त्री में गर्म करने वाला तत्व डैश से बना होता है, तो निक्रोम से बना होता है। 15 देखिए, मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल है, बहुत सिंपल। देखिए आपके एग्जामिनेशन में नेवी MR में जीके में आपको देखिएगा जरूर मिलेगा एक राजधानी से क्वेश्चन। तो सिंपल पेपर करने से बहुत सारा प्रॉफिट होता है क्योंकि हमें एक लेवल की जानकारी मिल जाता है, पैटर्न की जानकारी मिलता है। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है, देखिए ये भी पूछ दिया गया, पोर्ट ब्लेयर है।
तो कहीं ना कहीं ये देखिए राजधानी वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। फिर 17 देखिए, एफ ए ओ से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि एफ ओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तेंजिंग नारगे ने किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, तो माउंटेनियरिंग में बनाई है। क्वेश्चन देखिए 19, किसे फ्यूहर के नाम से जाना जाता है, हिटलर को जाना जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर यानी म्यूजियम किस राज्य या संघ क्षेत्र में है, तो पश्चिम बंगाल में है सबसे पुराना म्यूजियम। 21 देखिए, सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, लंबा, महाभारत हो जाएगा। 22 देखिए, इनमें से किस से डर्बी पद संबंधित है, तो ये डर्बी जो है घुड़दौड़ से संबंधित है। क्वेश्चन 23 देखिए, गीता सेठ किस खेल से संबंधित है, तो स्नूकर से संबंधित है। क्वेश्चन 24 देखिए, शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल किया है, तो विश्वनाथ आनंद ने हासिल किया है। 25 देखिए, पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में उद्धृत हुआ यानी ऑर्गेनेटेड हुआ था, तो मणिपुर में ये ऑर्गेनेट हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ से 25 जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको पार्ट ए का साइंस के क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, इसके बाद मैथ के भी करा दूंगा। देखिए 26, किसे और सेल बनाने के प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो देखिए सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी जो जर्मेनियम है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि सिलिकॉन, प्लेटिनियम, गैलीनियम इस सब का उपयोग होता है। 27 देखिए, ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है, तो ये ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। 28 देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है, तो कूलम्ब हो जाएगा। 29 देखिए, फ्रुक्टोज जो है को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो जाइमेज है। 30 देखिए, इनमें से बेग का माप कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30 मीटर पर सेकेंड साउथ, ये बिल्कुल बेग का माप हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखिए, थर्मस बोतल जिसमें कॉफ़ी रखी हुई है को पूरी तेजी से हिलाया जाता है, यदि कॉफ़ी को एक प्रणाली माना जाए तो कॉफ़ी का तापमान क्या होगा, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा हिलाने पर। 32 देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है, हाँ उसके बाद लिख रहा है यहाँ पर क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के प्रकोष्ठी बल लगाती है। देखिए पृथ्वी जो होता है चंद्रमा पर कौन सा बल लगाती है, प्रकोष्ठी बल लगाती है। क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है, तो हाँ बिल्कुल ऑलवेज काम करती है। 33 देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु डैश के का कार्य करती है, तो त्वरित गति का कार्य करती है। 34 देखिए, पिंड का भार डैश पर शून्य नहीं होगा, तो कहाँ शून्य नहीं होगा, ऑप्शन दिया था पृथ्वी के केंद्र पर, यहाँ तो शून्य होता है, आकाश में भी होता है, मुक्त रूप से गिरते हुए में भी शून्य हो जाता है किसी भी पिंड का भार, लेकिन घर्षण मुक्त सतह पर किसी भी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। 35 देखिए, एक क्वाशार है, तो ये एक ब्लैक होल है क्वाशार। 36 देखिए, जब 10^19 इलेक्ट्रॉन को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाए तो उस पर विद्युत आवेश होगा, कूलम में बताना है, तो +1.6 होगा कूलम। 37 देखिए, गर्म करने पर ठोस सीधा गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। तो इस तरह मैं करा दिया आपको 12 क्वेश्चंस साइंस का, उसके बाद मैं आपको गणित के 13 क्वेश्चंस करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।